मैं 8th क्लास का स्टूडेंट था पहले, मुझे स्कूल में पढ़ाती थी तो बस देखते देखते मुझे इनसे प्यार हो गया। मैंने कहा चले मैं स्कूल अब एक शर्त पे ही आऊंगा अगर आप मेरी शर्त पूरी करेंगी। कहती क्या? मैंने कहा मेरे से शादी करेंगे तो ही मैं आऊंगा स्कूल, वरना मैंने नहीं आना। ये तो 8th क्लास का है, इसने आगे पढ़ना भी था तो कौन पढ़ाएगा इसको? मैं हूँ, मैं किस लिए हूँ, मैं खुद इन्हें पढ़ाती। नहीं समझ आता, आप खुद करती सब कुछ। शोक कब पैदा हुआ? हरीम शाह की वीडियो देख? नहीं नहीं, बात कभी दिल किया कि टीचर से बदले लूं, जो टीचर ने मेरे साथ किया वो मैं करूं? हाँ अभी मारते हो? नहीं मारता तो खैर नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से, मैं हूँ फैसल खान सूरी। मेरे साथ वो मासूम बच्चा मौजूद है जो 8th क्लास का स्टूडेंट है और ये हैं इनकी टीचर साहिबा। ये 8th क्लास में पढ़ते थे, टीचर बहुत मारती थी, टीचर सजा भी देती थी, सजा देती तो ये नाराज़ हो जाते थे। तो टीचर साहिबा ने इनको मनाने के लिए कॉल की तो इन्होंने शर्त रख दी कि टीचर साहिबा अब की बार ऐसे नहीं छूट मिलेगी, आप मुझसे शादी करेंगी तभी हमें सुलह होगी। तो फिर इन बेचारे स्टूडेंट ने, 8th क्लास के बच्चे ने शादी की अपनी टीचर के साथ। क्या मामलात बने, किस तरह से अपने अम्मा अब्बा को मनाया और फिर ये एक बंधन में बंध गए। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है? फहद। फहद क्या करते थे? मैं 8th क्लास का स्टूडेंट था पहले। अच्छा, तो अब क्या करते हो? अब मुझे मेरी वाइफ घर पढ़ाती है। अच्छा। हाँ जी। ये वाइफ कहाँ से लिया आपने? ये बस ना पूछे, ये मेरी टीचर थी पहले। अच्छा। हाँ जी, तो बस पढ़ाती थी स्कूल में? मुझे स्कूल में पढ़ाती थी। हाँ। ये सारे लेक्चर्स मेरी लेती थी तो बस देखते देखते मुझे इनसे प्यार हो गया। तो मैं तो पहले इनसे प्यार करता था लेकिन ये थोड़ी मैच्योर थी तो इन्होंने कभी इस तरह का सोचा नहीं मेरे बारे में। अच्छा। तो तंग भी मैं बहुत करता था क्लास में, तो एक मैं जान के तंग करता था कि मैम मुझे कोई ना कोई पनिशमेंट दे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था ये जब पनिशमेंट मुझे करती थी। सजा दे दी कि आप खड़े हो जाए सारा दिन, मैं होमवर्क नहीं था करके आया मैम। सजा दी? हाँ जी, सिर्फ सजा दी, कहते आप खड़े हो जाए, आपने सारा दिन खड़े रहना। मैंने कहा ठीक है, आप खड़े रहे। मैं सारा दिन खड़ा रहा, कहते एक टांग पे खड़े हो जाओ। अच्छा। इतनी जालिम थी। अच्छा, तो एक टांग पर एक टांग आपने खड़ी कर दी? हाँ, मैं आधा पौना घंटा ना एक टांग खड़ा रहा, फिर इनको खुद ही तरस आ गया, इन्होंने कहा चलो ठीक है दोनों टांगों पे खड़े हो जाओ। अच्छा। तो फिर मैं मुझे भी थोड़ा नाराज़ हो गया, मैंने ना जान के अगले दिन छुट्टी कर ली। तो मैम का फ़ोन आया, किसको? बाबा को। बाबा के नंबर पे मैम का फ़ोन आया तो मैम कह रही थी आपका बेटा क्यों नहीं आया, तो बाबा कहते थे उसकी तबीयत खराब थी, उसके टांगों में दर्द था, ये वो इस तरह करके ना। फिर मैम ने कहा कि मेरी फहद से बात करवाएं, तो बाबा कहते नहीं उसकी तबीयत ख़राब है, वो अभी आपसे बात नहीं कर सकता। मुझे कुछ नाराज़गी भी थी तो बस इसलिए फिर ना मैंने बाबा को कहा बाबा लाए मेरी बात करवाएं इनसे ना। तो मैंने बात की तो कहती आप आया क्यों नहीं, मैंने कहा बस मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो वो कहते नहीं आपको आना चाहिए था। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चले मैं स्कूल अब एक शर्त पे ही आऊँगा अगर आप मेरी शर्त पूरी करेंगी। कहती क्या? मैंने कहा तगफुरुल्लाह, इतने गंदे जहन के थे। मैंने कहा कहती क्या शर्त है? मैंने कहा मेरे से शादी करेंगे तो ही मैं आऊँगा स्कूल, वरना मैंने नहीं आना। एक बार तो ये चुप कर गई आगे से, इन्होंने कहा कि किधर की बात कर रहे हो ये, क्योंकि ये मैच्योर थी थोड़ी सी, मैं थोड़ा बचपना टाइप था मेरे अंदर, तो लेकिन ये मेरे दिल के जज्बात कहाँ समझ सकती थी, वो तो हमें ही पता होता है ना। दिल कहाँ पे था आपका? दिल लेफ्ट साइड पे ही होता है ना। अच्छा। हाँ जी, बात बड़े पड़े थे। हाँ जी, जज्बात फुल मेरे भरे हुए थे। फिर खैर टपक रहे थे? टपक मैं कहता हूँ बस बात ही छोड़ दें आप। बहुत जज्बाती था मैं उस टाइम, मैं अगर मैम मान टीचर मेरी मानती भी ना तो मैं बस कुछ ना कुछ करके इनको निकाल के भी ले आता मैं। अच्छा। हाँ जी, मैं पागल था इनके प्यार में बस। तो फिर बस मैम एक बार चुप कर गई, मैम ने कहा अच्छा तुम स्कूल आओ ज़रा, ऐसे ही मुझे कहा गुस्से से। गुस्से से कहती अच्छा तुम स्कूल आओ ज़रा। फिर मैं जब स्कूल गया तो ना मैम ने ना मुझे बड़े गौर से गुस्से से देखा, मैंने कहा लगता है आज ना फहद तेरा काम ख़राब हो गया, तू नहीं बचता आज। लेकिन खैर जब मैं मैम के पास गया, मैम कहती इधर आओ, ऐसे मुझे इशारा किया, कहती इधर आओ। मैं पास गया तो लगा लिया गले, मैं कहता हूँ ऐसा वैसा, जब ऐसे करके उन्होंने गले लगाया ना, ओ हो मैं समझ गया वहाँ पे, मैं कहा मेरी टीचर फ्लैट हो गई है। मैंने कहा टीचर फुल फ्लैट हो गई है। मैंने कहा फहद तेरा काम बन गया। हम थोड़ा कैंटीन में चले गए, वहाँ पे हमने जाके थोड़ी कैंटीन, स्कूल की कैंटीन नहीं बाहर कैंटीन में गए हम, क्योंकि वो स्कूल में तो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे ख़राब होते हैं। तो हम बाहर कैंटीन पे गए, हमने जाके चाय शाय पी वहाँ से। मैं ना मतलब कि इतना भी बच्चा नहीं था, थोड़ा मैच्योर टाइप ही था। हाँ, स्कूल लेट गए थे, स्कूल बस थोड़ा लेट गया था, बाकी सब फंक्शन ठीक था। हाँ सब ठीक था। तो
फिर हम कैंटीन पे गए, वहाँ पे जाके कहती मुझे कब से पसंद कर रहे हो। मैंने कहा जब से मैं स्कूल में, मैं तब से आपको डेली देखता हूँ, लेकिन आपने कभी बॉदर ही नहीं किया। कहती नहीं मैं बॉदर करती थी, बस मैं नाम नहीं थी लेती। कहती फिर मुझे कहती अच्छा आप क्या डिसीजन है तुम्हारा। मैंने कहा शादी डिसीजन है, इसके अलावा तो अब कोई मेरी कुछ नहीं हो सकता। कहती अच्छा चलो फिर एक काम करो, अपने बाबा को ले जाना, बाबा मामा दोनों को ले आना। बाबा से शादी करनी थी? नहीं नहीं बाबा से नहीं थी करनी, वो रिश्ता लेकर जाना था ना, रिश्ता लेकर जाना था ना। तो फिर बाबा गए, मेरे बाबा मामा दोनों गए साथ, मेरी एक सिस्टर गई, उन्होंने गए वहाँ पे मेरी टीचर के घर गए, वहाँ पे जाके हमारी हाँ हुई, तो फिर हमने कुछ दिनों में शादी कर ली। अरे वाह यार, ये आप दोनों ने मास्क क्यों लगाए हुए? मास्क बस इसलिए लगाए हुए हैं कि मैं नहीं चाहता कि इनको कोई देखे। और आपने इनको क्यों लगवाया? मैं चाहती हूँ मेरे अलावा कोई ना देखे। आपका नाम क्या है? रिमशा। रिमशा आपकी उम्र क्या है? 22 इयर्स। छोटे से बच्चे से आपने शादी कर ली? छोटे तो नहीं है, ठीक है। हाँ वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, ठीक है, छोटी आप लग रही हैं। इतनी कमजोर क्यों है? वैसे खाती नहीं है ना? नहीं खाती हूँ। अच्छा इसको पसंद कैसे किया, या इसने प्रपोज किया था? प्रपोजल आया था। अच्छा। तो मुझे भी पसंद। इसने प्रपोज किया आपको, तो तब रिएक्शन क्या था? बहुत अच्छा एक्सप्रेशन था कि मतलब कि कोई मुझे भी इतना पसंद कर सकता है और मेरे लिए इतनी अपनी फैमिली से स्ट्रगल करके मेरे घर रिश्ता लेके आए। अच्छा। और देन अब हम एक हैं। ये तो 8वीं क्लास का है, इसने आगे पढ़ना भी था, तो कौन पढ़ाएगा इसको? मैं हूँ, मैं किस लिए हूँ, मैं खुद ही पढ़ाती हूँ। कुछ आप पढ़ाती हैं? हाँ जी। नहीं समझ आता, आप खुद करती हैं? सब कुछ खुद इनको समझाती हूँ। तो अगर ये कहीं पे फिसल गए किसी और पे फिर? नहीं अब नहीं जाते, जो मेरा हो गया अब नहीं जाएंगे कहीं पे। की बात है, की बात है। कहीं जाओगे तो नहीं? नहीं कहीं नहीं जाता, मैं यहीं पे हूँ। कोई और पसंद आ गई 11वीं में जाके तो फिर दोबारा डिसीजन ले लेंगे। ये अभी जा लेना, इधर ही आने ही जाएंगे, कहीं नहीं जाते हैं। मैं फिक्र ना करो जानो, कहीं नहीं जाते हैं। मैंने बताया हुआ था सबको कि यार ये टीचर मेरी हूँ। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे ना उनको, टीचर्स को तो सबको मैंने लव स्टोरी सुनाई हुई थी अपनी। टीचर कहती थी ऐसे बस झूठ मूठ बोल रहे, बकवास कर रहे हैं। ये शोक कब पैदा हुआ? हरीमशा की वीडियो देख के? नहीं नहीं हरीमशा की वीडियो देख के नहीं पैदा हुआ, वो बस खुद ही पैदा हो गया। नहीं किसी ने बताया तो होगा या शादी करोगे तो शादी के बाद ये करोगे, ये करोगे तो वलीमा होगा, वलीमा होगा तो ये होगा। नहीं मैं बचपन से थोड़ा फास्ट माइंडेड था। तक कहाँ तक जाओ? अब बस अब शादी हो गई है, बच्चे होंगे फिर बस। बच्चे होंगे, बच्चों के बाबा भी बच्चे होंगे। नहीं तब तक रिटायरमेंट हो जाएगी लाइफ की मेरी। इतनी लेट बच्चे करने? नहीं वो आपको पता है ना एज ही वैसी चल रही है, मतलब कि 40 अभी कोई चांस नहीं है। हाँ अभी कोई चांस नहीं है बच्चों का। नहीं इन फ्यूचर तो करेंगे ना। जैसे कितने का सोचा हुआ है, कितने बच्चे होने चाहिए? बच्चे दो ही अच्छे बस, अपने जैसे, अपने जैसे बस। हॉट हॉट। अच्छा आप नहीं बोल रही, आपको बच्चों ने कहा नहीं, तंग नहीं किया अगले दिन जाके क्लास में कि मैम आपने शादी कर ली है, हमें छोड़ दिया, हमें भूल गई हैं, कैसी मैम है, बेवफा? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, जब उन्हें पता लगा था कि हम लोग का हो गया तो फिर सबके मुंह तो बने ही थे बस। इन्होंने कैसे जाहिर करवाया था पहली दफ़ा कि ये आपको पसंद करते हैं? मीन्स के मुझे कहते थे आप प्यारी बन के आई हो, प्यारी लग रही हो, आपके बाल अच्छे हैं, तो मैं उनको शट अप कॉल देती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन क्या आप आज अच्छी लग रही हैं ये वो। कभी इन्होंने आपको टच किया था? नहीं टच नहीं टच। जब आप मारती थी तब कैसा ये मुंह बनाते थे? मारती नहीं थी, बाकी सबको मारती थी, पर इनको बोलती सिर्फ आपने खड़े रहना है। अच्छा। बस और कुछ नहीं। इनको खड़े करने का शौक था बस। क्या होता था आपका इंप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन क्या होता था? मैं तो ऐसे बैठ के देखता रहता था इनको बस। अच्छा पूरी क्लास में? क्लास में जब ये लेक्चर देते थे नहीं तो पता पढ़ाई हो आती क्या थी? ये पता ही नहीं तो होता, ध्यान नहीं, बस इनके तरफ देखता रहता था। आपने फिजिक्स तो नहीं पढ़ाया? नहीं नहीं फ्रिक्शन वगैरह कुछ पढ़ाया था? भी नहीं। अच्छा। सिर्फ इंग्लिश उर्दू इस्लामियात। कुछ याद है अभी तक जो इन्होंने पढ़ाया था? बस इनकी बातें याद है और तो कुछ भी। क्या कोई बात सुनाओ? एक बात इनकी, जैसे सबने क्लास में एंटर होना है इन्होंने सबके नेल्स चेक करने हैं, नेल्स कटे हैं, फिर इन्होंने टीथ चेक करने हैं कि दिखाओ ब्रश किया हुआ है आपने। तो अब ये कभी कभी घर में नहीं ना करती, फिर मैं कहता हूँ एक टांग पे खड़ी हो जाओ। हमें तो डेली वहाँ चेक करती थी, पनिशमेंट करती थी। तो अब खुद जो है दो दो दिन कभी ब्रश नहीं भी करती, मैं कहता खड़ा हो जाओ। मैं कहता हूँ खड़ी हो जाओ। फहद कभी दिल किया कि टीचर से बदले लूँ, जो टीचर ने मेरे साथ किया वो मैं करूँ? हाँ
आप भी मारते हो? नहीं मारता तो खैर नहीं हूँ। चल झूठा। एक टांग पे खड़ा जरूर कर देता हूँ, सुबह नाश्ता लेट हो जाए मैं कहता हूँ एक टांग पे खड़ी हो जाओ। आप बताओ कि किस नाम से पुकारती हूँ उनको प्यार से? जो भी जुबान पे आ जाए ज्यादातर मैं फाहद फाहद कहती हूँ। प्यार से फाहूद? नहीं ऐसे नहीं कहती। जानू मानू कुछ नहीं, बेबी शोना? नहीं जानू कहती हूँ कभी कभी। चूंकि ये आठवीं क्लास का है तो कभी कभी ये पैंपर भी बांध लेता होगा। नहीं 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 बांधता। नहीं कोई हरकतें इसकी बच्चों वाली नहीं है, बस तंग बहुत करते हैं। कोई शेर सुना दें। चलते हैं दबे पाँव कोई जाग ना जाए। हाँ एहतियात करते हैं। चलें जी आप भी निकाह को आम कीजिए और आठवीं क्लास में रहते हुए आप बिल्कुल शादी ना कीजिएगा, क्योंकि आप छोटे नन्हे से मासूम से बच्चे होते हैं और टीचरें आपके साथ खेल जाती हैं। ज़रा एहतियात कीजिएगा, अगर आप पढ़ने जाते हैं तो ख्याल से पढ़ें, बाद में ऐसा ना हो कि किताब आप खोल रहे हों और मिस आपको सिर्फ पढ़ा रही हो। बहुत एहतियात बरतिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने कबूल।